بسم الله الرحمن الرحيم. कहते जी के भैंस के गोश्त में और दूध के बारे में हजूर पाक ने कुछ इरशाद फरमाया है। मेरा भाई, बात यह है कि यह ज़रूरी तो नहीं होता ना कि हर चीज़ का हजूर नाम लेते, और उस ज़माने में वहाँ शायद भैंस ना भी हो, वरना बहरहाल उसका गोश्त भी हलाल है और दूध भी हलाल है। कहते हैं जी कि मेरी वालदा जो है बैंक में पैसे रख के सूद लेती है, हमने उसको मना भी किया है लेकिन वो मना नहीं होती है, लेकिन रहती हमारे साथ तो कोई नहीं, उसका गुनाह उस पर है, आप पर क्यों है। कहते हैं जी कि कोई बंदा एलानिया को फर्क नहीं करता लेकिन तागूत की मदद करता है। तागूत कहते हैं शैतान को, तागूत कहते हैं मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए, अगर वो उसकी मदद करता है तो मानना कुफ्र है। मेरा दोस्त है वक्कास अहमद, सर के दर्द की वजह से वो गिर जाता है। वजीफा यह है मेरा भाई कि 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के खुद हाथ में दम करके सर पे फेरा करे, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये बीमारी जाती रहेगी। मेरा नाम शिफा है, 8 साल हो गए हैं कि मुझे औलाद नहीं होती। एक तो मेरी बेटी, सबसे पहले यह है कि आप अपना टेस्ट करवाएं, दूसरा अपने खावंद का भी टेस्ट करवाएं कि दोनों में किस में नुक्स है, जिसमें नुक्स है उसका इलाज किया जाए, अगर दोनों में नुक्स नहीं है तो फिर सूरत यूसुफ रोज पढ़ के दुआ किया करें। मैं इंडिया से हूँ, मेरा हमल जो है वो बच्चेदानी में नहीं जाता बल्कि बाहर ठहर जाता है। अल्लाह आपको शिफाए कामला सियत आज अता फरमाए। इसके लिए भी हुई है कि आप सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ करें कि या अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर। वज़ाइफ़ उस्सालिहीन के मुसन्निफ़ पीर इकबाल कुरैशी साहब की खलीफा हकीम अब्दुल अलीम साहब हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब करें। एक औरत ने ताइफ से इहराम बांधा और मक्का मुकरमा आ गई लेकिन उम्रा ना कर सकी कि उसको हैज आ गया, अब वो फिर मदीना शरीफ चली गई, तो ऐसा करें कि वो उसी एहतियात में रहे और फिर जब पाक हो जाए तो मदीने मुनव्वरा से इहराम बांध के आके उम्रा कर लें। मक्का मुकरमा में जितनी बाकी मस्जिदें हैं उन पर भी सवाब 1 लाख मिलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ने मस्जिद तदखुलन्नल मस्जिद अल हराम इंशाअल्लाह, सारे मक्के को मस्जिद अल हराम कहा है, तो जब हुदूद हरम जितनी है वो मस्जिद अल हराम है तो 1 लाख मिलेगा।